केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्कीम के बारे में उद्योगपतियों और किसानों को जानकारी देने खुद जलंधर शहर पहुंची। इसी के चलते ही वो जलंधर में पहुंचकर उन्होंने हर तरह से पंजाब के लोगों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्रालय मिला। उनके अनुसार पंजाब के किसान राज्य है और उनका महकमा सीधा इससे संबंधित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही इस बात को मंजूरी दे चुके हैं कि विदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपना पैसा लगाएं। प्रधानमंत्री ने 6000 करोड़ रुपए इस उद्योग को दिया है, जिससे उद्योग लगाने वाले को ये पैसा सब्सिडी के तौर पर होगा, जिससे 25 लाख किसानों को लाभ होगा। उनके अनुसार देश में 42 ऐसे उद्योग के यूनिट्स है, जिसमें 3 पंजाब में है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। 25 आज तक नहीं आए, प्लांट चल नहीं सकिया। अब बहुत एप्लीकेशन पाई हैं सारे डिपार्टमेंट में, किसी ने कोई रिवाइवल का है चांस नहीं। पंजाब गवर्नमेंट की कलैबोरेशन के पंजाब एग्रो भी इस मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा जोर लाया, पर कोई गल बनी नहीं, रिवाइवल नहीं हो सके। की कोई ऐसी कोई स्कीम है जो रिवाइवल हो सके? न्यू प्रोजेक्ट मैडम तुम 10 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हो, पुराने 50 लाख कर दिया, हम सेल भी कर दिया। सैलरी नहीं कर रही, देख ही नहीं सकते। हर बंदा कहता नवा ला लेना, मैं पुराने खत्म हो गया। पहाड़ी राज्यों में जो रेत है वो 2027 तक कायम रहेगी। यूनियन कैबिनेट में वीर जी, मैं स्वेट को इतने बैठी हूँ कल शाम की, मैं थोड़ा आप दस रही हूँ कि कल रात को एजेंडा मेरे को सर्कुलेट होया है, उसके बीच एक कोई एजेंडा नहीं सी, एक थोड़े को मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, एजेंडा नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। जब मैं जाके इसके बारे में पता ना करा, मैं इसके बीच कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैं जे जे जवाब नहीं दिंदी, दस रहे हो वीर जी, मैंने तो कोई मैसेज नहीं आया, देख लो तो कि की सर्कुलेट होया उधर विच की लिखा है। अदरवाइज अदरवाइज तुसी अपॉइंट करते हो तो बताओ। आई विल नॉट आंसर देन आई नो व्हाट हैज बीन सेड। सॉरी, कमेंट पास कर सकते हो जी, कोई नहीं ले रहा है। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ GST ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ GST ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ जब मैं जून के महीने GST की तैयारियां की, बाद पता लग्या कि GST के कारण की उन्होंने उड़ा एडिशनल बोझ पाऊगा। जब यह हाईलाइट हुआ, सब तो पहले जेटली साहब को मैं आप चिट्ठी लिखी, उन्होंने मैं 29 तरीक को मैं शायद चिट्ठी लिखी होगी, तो 1 29 जून से 1 जुलाई को GST लागू हो गया। हम GST लागू होने तो पहले सब कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने केंद्र की सरकार के हाथ में सिगा। एक बार GST जब लागू हो गया तो GST काउंसिल है जिहड़ा हरेक फैसला जिहड़ा भी GST का होना है वो GST काउंसिल लेती है। इस काउंसिल का हर सूबे का वित्त मंत्री मैंबर है।
ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆ ਸਭ ਕੋ ਲਿਖਤੇ ਜਾਣਗੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕਨਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਨੀ ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ 5,000 ਕਰੋੜ ਜਦ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਉਠਾਓ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਖੁਦ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ